भोजपुरी के दो बड़े सुपरस्टार और इन दोनों की बड़ी बड़ी फिल्में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव की और पवन सिंह की, और एक बड़ा मौका होली का। जी हाँ, होली त्योहार ही ऐसा है कि जब इस मौके पर भोजपुरिया स्टार्स अपनी फिल्मों का लोहा मनवाना चाहते हैं। जी हाँ, तो इस बार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की टक्कर होने जा रही है और ये टक्कर बहुत ही बड़ी और बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। लोगों ने फिल्म क्रैक फाइटर का ट्रेलर देखा वो अब समझ चुके होंगे कि कोहली नंबर वन भी किसी मामले में कम नहीं है। हाँ, ये बात और है कि हर साल की होली हमेशा पवन सिंह जीत ले जाते हैं, चाहे वो भोजपुरिया राजा हो, सत्या हो, धड़कन हो। हर बार की होली में पवन सिंह की फिल्मों ने ही पंचम लहराया है। पवन सिंह के आगे कोई भी भोजपुरिया स्टार हिम्मत नहीं जुटाता कि वो भोजपुरी में कोई फिल्म रिलीज करे, लेकिन खेसारी लाल यादव तो भाई खेसारी लाल यादव हैं। आजकल उनकी लोकप्रियता भी पवन सिंह से कहीं कम नहीं है। बड़े ही कम समय में जो मुकाम खेसारी लाल यादव ने लोगों के दिलों में बनाया है, ये मुकाम पाना बड़े ही किस्मत की बात होती है। इसके लिए खेसारी लाल यादव की मेहनत और पुरजोर मेहनत। अब बात करते हैं कूली नंबर वन और क्रैक फाइटर के ट्रेलर की। इन दोनों का ट्रेलर रिलीज हुआ। हाँ, खेसारी लाल यादव की फिल्म का ट्रेलर पहले हुआ रिलीज और बाद में हुआ क्रैक फाइटर का ट्रेलर रिलीज। क्रैक फाइटर का ट्रेलर रिलीज होते ही धूम मचा चुका है, लोग इसे देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। पवन सिंह के फैंस हो चाहे खेसारी लाल यादव के फैंस, सभी इस ट्रेलर को देख रहे हैं और इस ट्रेलर के एक्शन को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहां बात आती है कि एक ही दिन फिल्म के रिलीज की, तो खैर ये रिलीज डेट में किसका फायदा होगा ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन इस बार एक बात क्या आपने गौर की, चाहे वो खेसारी की फिल्म हो चाहे वो पवन सिंह की फिल्म हो, दोनों फिल्मों में अश्लीलता कोसों दूर है। अगर इन फिल्मों में कुछ है तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक। जी हाँ, खेसारी लाल यादव की फिल्म वृद्धों के प्रॉब्लम को सामने दिखा, तो वहीं पवन सिंह की फिल्म किस तरह से हॉस्पिटल और डॉक्टर मरीजों को लूट रहे हैं, उनके आँखों में धूल झोंक रहे हैं, इस टॉपिक बड़े ही जोरदार तरीके से उठा रही है। भाई यहाँ तो ये कहना मुश्किल हो रहा है कि कौन पड़ेगा भारी, क्योंकि इन दोनों का मुद्दा जबरदस्त है। तो वहीं साथ ही साथ इन दोनों फिल्मों के गानों से लेकर डायरेक्शन से लेकर और एक्शन तक सभी दमदार है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस होली में कौन मारता है बाजी। लेकिन अभी तक के आंकड़ों की माने तो नंबर वन की लिस्ट में कहीं न कहीं खेसारी लाल यादव पवन सिंह से आगे चल रहे हैं। फिलहाल उनके ट्रेलर के व्यूज की बात करें तो खेसारी लाल यादव का ट्रेलर जल्दी रिलीज हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें फायदा है और इस मुकाम पर खेसारी लाल यादव पवन सिंह से आगे चल रहे हैं। लेकिन जब फिल्म रिलीज होगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किसकी फिल्म किससे बेहतर है और कौन बनता है नंबर वन। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।